और अब बात करेंगे मुंबई से सटे पालघर जिले की, जहां के नालासोपारा इलाके में पुलिस ने एक 49 वर्षीय पुरुष को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल पर वीडियो दिखाने के बहाने नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का मंसूबा बना रहा था और पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद सलाम गेसावर बताया जा रहा है, जो अक्सर मासूम बच्चियों को मोबाइल फोन पर वीडियो दिखाने के बहाने उनके साथ छेड़खानी किया करता था। एक के बाद एक कई शिकायतकर्ता अब पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। फिलहाल नाबालिग बच्ची की शिकायत के बाद बच्ची की मां ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया। नालासोपारा पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वसंत लब्धे के मुताबिक नालासोपारा वेस्ट में रहता है ये आरोपी और खास करके पेशे से ये कड़िया का काम करता है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर मोहम्मद सलाम गिसावर को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस ने 354-294-504 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन नालासोपारा पुलिस कर रही है। 93/2019 अंडर सेक्शन 354D 341 IPC रेड विथ 8 और 12 पोक्सो एक्ट के तहत 29 मार्च को क्राइम रजिस्टर हो गए हैं। 13 साल की लड़की है, उनकी जो मम्मी है उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है कि वो जो एक्यूज है मोहम्मद सलाम वो उनका पीछा करता था और उनको उनके मोबाइल में जो वीडियो क्लिप थी वो दिखाने की कोशिश करता था। तो जब वो लड़की रुकी नहीं तो उनका उन्होंने हाथ पकड़ा, तो उसके लिए जो पीड़ित लड़की है उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी ने ये बात पुलिस में आके कही, क्राइम रजिस्टर किया, वो एक्यूज़ को